अब ये मानचित्र का तीसरा बहुत प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां, जैसे भवन हो गया, आप सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं दिखा नहीं सकते। आप बहुत दिखाना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि एक मैप में अगर ये सब चीजें दिखाएंगे तो मैप पूरा भर जाएगा। तो अगर इन सबको दिखाने की कोशिश की आपने, तो मैप भरने की संभावना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यानी कि ये सब जो सिम्बोलॉजी है वो यूज की जाती है, प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं। तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, और वो इतना ज़्यादा क्लमजी नहीं होगा, यानी कि इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगेगा, और इनका अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि चाइना का कोई आपका मैप है और उसमें चाइनीज में लिखा हुआ है, तो हिंदुस्तानी नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने चाइना में अगर इस तरीके से मान लीजिए ये लाइनें दिखा दी गई मैप में, तो हिंदुस्तानी हो चाहे स्पेन में रहने वाला आदमी हो, वो समझ जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है। तो अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से, ये सब जो चिन्ह है, के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, यानी कि जिसे कहेंगे कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है। तो ये रूढ़, अब इसको मैं आगे बताऊं आपको, तो ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इसको सिंबल्स कहते हैं, या रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे अब पानी कैसा होता है? पानी हरा या नीला होगा, तो सामान्यतः जो जलाशय होते हैं, जहाँ जो वाटर बॉडीज हैं, उनको नीले रंग से दिखाया जाता है। जैसे पर्वत है, नॉर्मली पर्वत ब्राउन होते हैं, तो उनको भूरे रंग से दिखाया जाता है। पठार जो है वो पीले रंग से दिखाए जाते हैं, और मैदान अगर है जिन पर हरियाली है, तो उन्हें हरे रंग से दिखाया जाता है। तो ये इसका तरीका है।